हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सबका एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं, बल्लू भाई एंटी। फ्रेंड्स, आज हमारे पास नेक्सॉन BS6 मॉडल है फेयरलेस, जो पेट्रोल गाड़ी है। और ये गाड़ी का प्रॉब्लम ऐसा है फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, मतलब नया गाड़ी अभी तक सेल भी नहीं हुआ, अभी तक PDI में है। तो ये गाड़ी का प्रॉब्लम ऐसा हो कि कभी स्टार्टर बैठता है, कभी नहीं बैठता, अचानक सडनली बंद हो जाता है। और फिर ये प्रॉब्लम के लिए मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, और फ्रेंड्स अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये इसका डिस्प्ले है BS6 का, नया मॉडल का ऐसा है फ्रेंड्स। ये इसका इन्फोटेक AC सिस्टम, और ये मैंने इसका लैपटॉप लगाया है। ये देखिए, ये लैपटॉप में ये मेमोराइज एरर आ रहा है कंफर्म, P0512-2-09 स्टार्टर रिक्वेस्ट सर्किट कंपोनेंट फेलियर बता रहा है। तो इसका देखिए, पहला ये कंफर्म बता रहा था बैटरी चेंज करने से पहले, हमने इसका बैटरी चेंज किया, उसके बाद ये मेमोराइज बता रहा है। देखिए नया गाड़ी, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गाड़ी का बैटरी है, ये हमने दूसरा गाड़ी का लगाया। ये देखिए, तो ये बैटरी लगाने के बाद गाड़ी अभी ऑटोमेटिक मतलब बंद नहीं हो रही, क्योंकि एक घंटा रखने के बाद गाड़ी चालू नहीं होता था, और वो बैटरी पे एक घंटे के बाद चालू नहीं हो रहा था, ये बैटरी के बाद गाड़ी चालू हो रहा है। तो ये देखिए, ये गाड़ी बेची नहीं अभी तक, मतलब सेल के लिए है। और ये गाड़ी का हम लोग देखेंगे, स्टार्टर मार के देखेंगे क्या होता है। फ्रेंड्स, गाड़ी जब पार्किंग में खड़ी खड़ी रहती है तो उसका ग्रेविटी लो डाउन अपर हो जाता है, तो कम ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि रात भर करंट चार्जिंग करना पड़ता है, जैसा अपना सॉकेट चार्जिंग करते ना घर का, तो वैसे करंट पे वोल्टेज से चार्जिंग करना पड़ता। फिर उसके बाद उसका ग्रेविटी चढ़ती है, बढ़ती है, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आता। तो हम लोग इसका एरर क्लियर करेंगे, देखेंगे अभी इसका गाड़ी चालू प्रॉपर होता है कि नहीं। ये देखिए, अभी वो चला गया स्टार्टर का। और एक बात बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग मेरे व्यूवर से सब्सक्राइबर से, तो आप मेरे ऑडियंस से, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि आपका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरे वीडियो से। तो आप लोगों ने कि मैकेनिक ने भी बोला कि नहीं होएगा, लेकिन आप लोगों ने खुद घर पे खुद आपने खुद के हाथों से किया, और ब्रेकडाउन गाड़ी चालू हो गया, प्रॉपर हो गया, और अभी तक चल रहा। तो आप लोगों ने मेरे को थैंक यू बोला, उसके लिए भी मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो पे देखते हो, उसके लिए थैंक यू। और विश्वास के साथ वो करते भी हो, क्योंकि मैं ऐसा डुप्लीकेट नहीं बताता फ्रेंड्स, जो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस मैं आप शेयर करता हूँ, क्योंकि जो मेरे को आता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आप लोग खुश हो रहे हो, उसके लिए बस ये मेरी इच्छा है। थैंक यू। स्टार्टर मार के देखेंगे, गाड़ी तो चालू हो रहा है। अगर हम लोग इसका डाटा चेक करेंगे, ये देखिए इसका बैटरी, तो बैटरी वोल्टेज तो सही है, अल्टरनेटर ये देखिए, अल्टरनेटर चार्जिंग भी दे रहा है 1438 1448। तो फ्रेंड्स, इससे रात भर रुकने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर 2-3 घंटे रुकने के बाद। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक एक गाड़ी में नहीं, कम से कम 10-20 गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आया कि समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि लोगों को लगता है कि स्टार्टर और 2 घंटे तो चल रही थी, कितना भी अगर आप चालू में चलाएंगे ना, कितना भी चलेगी, लेकिन ला के 2 घंटे रखेंगे तो लेगी चालू नहीं आएगी, तो वापस आपको टोचिंग करना पड़ता है। तो ये बैटरी का ग्रेविटी उतर रहा है, क्योंकि ज़्यादा करके ये ऐसा प्रॉब्लम एमरॉन के बैटरी में आता है, एक्सिड के बैटरी में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी देखना, BS6 गाड़ी है, तो आप लोग बोलेंगे स्टार्टर का प्रॉब्लम हो रहा है कि अल्टरनेटर का प्रॉब्लम हो रहा है, कि क्या हो रहा है, मतलब कोई सिस्टम में प्रॉब्लम क्या। तो नहीं है, आप लोग दूसरी बैटरी लगाना, गाड़ी जगह पर चालू होगी और प्रॉपर काम करेगा, चालू गाड़ी का डालना। तो ऐसा गाड़ी के लिए आपको बैटरी को क्या करना है, रात भर चार्जिंग को करना है, और उसके बाद ग्रेविटी के लिए
छेड़ने के बाद वापस लगा दो, गाड़ी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एरर भी जो रहेगा क्लियर कर दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। बेसिक्स के बहुत प्रॉब्लम आ रहे तो आप लोग के साथ ही ऐसा मैं शेयर करते बताते रहता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।